राज्यों में चुनाव के बाद में अगर चार राज्यों के फैसले सामने आ गए हैं, ऐसे में बात करें तो हर जगह बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। हम सीधा उनके पास ले सब जैसे जीत हुई है, सीधा श्रेय किसको जाता है? देखिए, पहला श्रेय तो जनता को जाता है, लेकिन मोदी जी के लिए जो मनौती कर रही थी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत राष्ट्र मजबूत बने, मैं समझता हूँ कि मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रबंध कौशल, संगठनात्मक कौशल, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का प्रादेशीय क्षेत्रीय नेतृत्व संगठन का, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जो केंद्र ने जो विकास की योजनाएं चलाई थी राज्यों में, तो सीधी पहुंच हुई है जनता के बीच में, जातियों के बंधन से, अगड़े और पिछड़े के बंधन से, सांप्रदायिकता के, हिंदू और मुस्लिम के बंधन से मुक्त होकर जनता ने एक सिरे से मोदी जी को सराहा है, उनको स्वीकारा है। ऐसी बात की जा रही है, विपक्ष सीधा निशाना कर रहा है ईवीएम को लेके, कहीं ना कहीं इसको कैसे देखते हैं? उसको कर्नाटक में नहीं दिखा था, हिमाचल में ईवीएम ठीक था और मध्य प्रदेश में आके खराब हो गया, मैनपुरी में ईवीएम ठीक था, खतौली में ईवीएम ठीक था और यहाँ पर आके खराब हो गया, दिल्ली में ईवीएम ठीक था। ये निराश, हताश और अवसादग्रस्त विपक्ष का एकमात्र बयान यही होगा, इसकी पहले से उम्मीद थी लोगों को। मैं समझता हूँ कि विपक्ष को पता लगाना चाहिए, जनता की मनौती तो पूरी हो गई, जनता की मनौती मोदी जी हैं और उनके नेता जो बयान दे रहे थे, अब उनको खोजना चाहिए कि वो कौन है। सर, बात की जाए जिस प्रकार से सुबह रुझान आए थे कांग्रेस के आने के बाद में, फिर से अब बीजेपी के बढ़त आगे बनती गई, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था कि बैलेट पेपर में भी गड़बड़ी की गई है, इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो बैलेट पेपर था ही नहीं, बैलेट पेपर ईवीएम से हुआ है। बैलेट पेपर सर, कुछ जगहों पे जहाँ पे बैलेट पेपर काउंटिंग हुई थी वहाँ के लिए वो बोल रहे थे। अब देखो, हार का कोई भी बहाना बनाने का अधिकार उनको है, वो बहाना बनाते रहे और हारते रहेंगे। जहाँ पर जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं कि हम अपने बल पर जीते, और जहाँ हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम के कारण हारे। जनता जनार्दन के जनादेश को समझना चाहिए और ये जानना चाहिए जनता ही जगन्नाथ है। जैसा कि ये सेमीफाइनल बताया जा रहा है, पांच राज्यों के चुनाव हुए हैं, कल नतीजा और आना है, ऐसे में 2024 में होने वाले चुनाव को कैसे देखते हैं? तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री दो तिहाई से बनेंगे, स्वीप होगी, ये सपा बसपा मखपा बकपा कांग्रेस आप इधर से उधर से जितने दल होंगे, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा, अगर बात की जाए तो विपक्ष ढिंडोरा पीटता रहता है, चाहे वो ईवीएम का हो और चाहे बैलेट पेपर को लेकर हो, किसी प्रकार से उनको सिर्फ ढिंडोरा पीटना है अपनी हार को लेकर छुपाने के लिए। कैमरामैन सौरभ के साथ अश्वनी अवस्थी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।